हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपकी गोलियां हैं इनकी आप घर पर जांच कैसे कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि आपकी गोलियां हैं इनमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों जो आपको मैं चेक करने का तरीका बताऊंगा ये आपको हर दूसरे तीसरे दिन करना चाहिए ताकि जब भी आपके जो गोलियां हैं इनके अंदर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो आपको सबसे पहले पता चल सके, जिससे क्या कि आप इनका ट्रीटमेंट करवा सको। अगर आपकी जो गोलियां इनके अंदर प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जाती है तो इनको ऑपरेशन से ही सही किया जाता है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो उसका पता लगाकर हम घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपको मैं तरीका बताऊंगा ये आपको हर दूसरे तीसरे दिन कर आपकी गोलियों की जांच जरूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों जब आप टॉयलेट में जाते हो और बैठते हो तब जो आपकी गोलियां हैं ये लटकने की पोजीशन में रहती है, तो आप उन्हें झुककर देख सकते हो कि हमारी जो गोलियां हैं ये दोनों एक समान लटक रही है या फिर आगे पीछे लटक रही है। यानी कि थोड़ा बहुत फर्क हर किसी के अंदर होता है, थोड़ा बहुत फर्क चलता है, लेकिन यह फर्क अगर ज्यादा है, ज्यादा अगर आपकी गोली एक साइड की लमक रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर दिक्कत आ चुकी है। साथ ही दोस्तों जो आपकी गोलियां हैं इन्हें आप अपने दोनों हाथों में लीजिए और अपने नरम नरम हाथों से अपनी जो गोलियां हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा दबाकर देखिए। अगर आपको गांठ जैसा महसूस हो रहा है, दो गोलियां तो गांठ जैसी होती है लेकिन इसके अलावा जो थैली होती है, स्किन की बनी हुई थैली होती है, उसके अंदर गांठ सा लग रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें क्या है कि आपको जो गोलियां हैं इनके अंदर कैंसर का खतरा बन सकता है। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देखने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए।